मैं संदीप देवगन आज मैं आपके सामने एक और नया विषय पेश हूँ जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 12 क्लास कृषि का फसल उत्पादन से अध्याय नंबर 6 जिसका नाम है सामान्य फसलें। तो आज का हमारा इस अध्याय के अंतर्गत हमारा 5 नंबर का सीरीज रहेगा जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे गन्ने की खेती के बारे में। आज हम इसमें देखेंगे कि गन्ने की खेती को किस तरह से इसमें किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक गन्ने की खेती। ठीक है, तो इसका बॉटनिकल नाम हम लोग देख लेते हैं। इसका नाम होता है सैकेरम ऑफिसिनेरम के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। और ये जो फैमिली इसको ग्रामिनी कुल के अंतर्गत इसको रखा गया है, ग्रामिनी कुल का ये है। ठीक है, अब देखते हैं इसका महत्व देखेंगे। तो महत्व क्या है, गन्ना जो है वो चीनी का प्रमुख फसल होता है। चीनी उत्पादन के चीनी और गुड़ उत्पादन के लिए गन्ने की आवश्यकता होती है। गन्ना हमारे पास नहीं रहेगा, हम वहाँ से चीनी और गुड़ का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो है आपका गन्ने की खेती जो है आपका चीनी एवं जो है गुड़ के उत्पादन के लिए किया जाता है। अब देखते हैं इसका उत्पत्ति। तो उत्पत्ति इसको जो है वो भारत में इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। उत्पत्ति जो है भारत से हुआ है। अब देखते हैं इसका क्षेत्रफल व वितरण, कहाँ कहाँ पर इसको बोया जाता है, कितने क्षेत्रफल में इसको बोते हैं। तो इसका क्षेत्रफल हमारे पास या वितरण हमारे पास है, भारत में बोलते हैं, ब्राज़ील में, क्यूबा, पाकिस्तान और चीन, थाईलैंड आदि देशों में इसको जो है वो बोया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर, आपके भारत में, ब्राज़ील में, क्यूबा, पाकिस्तान, चीन और थाईलैंड में इसकी खेती किया जाता है। और हमारे भारत में लगभग आपका 2,06,000 हेक्टेयर पर इसकी खेती किया जाता है। 2,06,000 हेक्टेयर पर इसकी खेती, और अकेला उत्तर प्रदेश में इतने का लगभग 50% खेती यहीं पर करते हैं। अकेला उत्तर प्रदेश में लगभग आपका 2,06,000 हेक्टेयर भूमि में से आधे की जो खेती है वो उत्तर प्रदेश में ही होता है। ठीक है, फिर देखते हैं इसके लिए जलवायु। तो जलवायु किसमें होता है, आपका उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा होता है। इसके लिए जो है आपका ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होते हैं एवं जो है आपका 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी खेती आसानी से किया जा सकता है। ठीक, फिर देखते हैं इसके लिए भूमि। तो भूमि में क्या आएगा, जिसमें उपयुक्त जल निकास युक्त हमारे पास भूमि दोमट मिट्टी हो उसमें इसकी खेती किया जा सकता है। दोमट और के साथ साथ सभी प्रकार के जो भूमि है उसमें खेती इसका किया जा सकता है। और इसका पीएच मान होना चाहिए 6.1 से 7.7 के मध्य अगर हो तो पीएच मान हमारे लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है गन्ने की खेती के लिए। अब देखते हैं इसके लिए बुआई। तो बुआई आपका कब करते हैं, इसको शरतकालीन में अगर करना है तो इसको अक्टूबर में बोलते हैं, अर्थात शरतकालीन बुआई को बोलते हैं। अक्टूबर में इसको आपका बुआई करते हैं और बसंतकालीन के लिए आपको फरवरी में इसको बुआई किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके लिए बीज दर। तो बीज दर में क्या आएगा, आपका 35,000 से 40,000 आँखें। आँखें का अर्थ ये है, जैसे गन्ने हमारे पास कुछ इस तरह से गन्ने रहते हैं। ठीक है, गन्ना कुछ इस तरह से हमारे पास रहता है, तो यहाँ पर ऐसा गांठ पाए जाते हैं, ऐसा गांठ होते हैं। तो गांठ में कुछ हमको उभार नुमा कुछ इस तरह से ऐसा यहाँ पर उभार नुमा हमको दिखाई देगा, जिससे कोई नए शाखा या नए आपके पौधे का निर्माण हो सके, यही कराते हैं उसकी आँखें। जैसे हमारे पास आलू होता है, तो आलू में भी अलग अलग कहीं कहीं जगह पर सफ़ेद सफ़ेद कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐसा निकले हुए रहते हैं, तो उसके आँखें होते हैं। तो इस तरह से गन्ने पर भी ऐसा आँखें इसमें पाए जाते हैं, है ना, और ये बहुत सारे आँखें इसमें जो है ऐसा होता है। तो इसमें क्या बोला इन्होंने, 35,000 से 40,000 आँखों वाले टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है प्रति हेक्टेयर के लिए। ठीक है, लगभग ये कितना होता है, अगर वेट की दृष्टि से निकाले तो 70 से 75 क्विंटल का उसका वेट वो होगा। अब देखते हैं इसके लिए जातियां। तो जातियां हमारे पास है COS 687, उस तरह से COS 64 और COJ 64 और COJ 63 एवं जो CO395 और UP1 और BO91 और इस तरह से CO1148 और इस तरह से आपका CO1158, इन जातियों का प्रयोग इसमें किया जा सकता है या करते हैं। अब देखते हैं इसके लिए बुआई की विधियां, को कितने विधियों से इसको बोया जा सकता है। इसके लिए हमारे पास 3 विधियों के द्वारा इसकी बुआई किया जाता है। तो पहला विधि है हमारे में समतल बुआई करना। समतल का अर्थ, अच्छा इसमें मैं एक चीज भूल गया, भूमि की तैयारी। तो भूमि की जो तैयारी होगा वो सभी में समान रहेंगे, अर्थात पहले क्या चलाएंगे, मिट्टी प्लस हल से जुताई होने के बाद उसमें देसी हल से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बुआई की जो विधि है 3 विधि हमको देखने को मिलेगा। पहला आएगा इसमें समतल बुआई। समतल बुआई का अर्थ यह है, जब हम भूमि को समतल करेंगे तो
समतल होने के बाद उस पर जो है बीज को हम डाल देंगे और ऊपर से उसको मिट्टी को उसमें हम चढ़ा देंगे तो कहलाएगा हमारे में समतल बुआई कहलाएंगे। अब उस तरह बोलते हैं इसको नालियों में बुआई करना। नालियों में बुआई का अर्थ ये है कि वहां पर क्या बनाएंगे हम नालियों का निर्माण करेंगे। जैसे कि हमारे पास कुछ इस तरह से अगर हमारे पास खेत है, ऐसा हमारे पास खेत है, इस खेत में हम जो है नालियां बनाएंगे अर्थात कुंड बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर नालियां बने हैं तो इन नालियों में क्या करेंगे हम जो इसके बीज रहेंगे उसको डालेंगे और उसके बाद उसको क्या करेंगे ऐसा ढक देंगे, उसके बाद इसको चारों तरफ से ऐसा जो इसमें कवर इसमें कर देंगे, ढक देंगे। तो इसको बोलते हैं नालियों में बुआई करना। और इसकी दूरियां तो इसमें बोला गया है 90 सेंटीमीटर, एक नाली से दूसरी नाली की दूरी कितना होगा 90 सेंटीमीटर एवं जो है आपका चौड़ाई कितना होगा 40 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई होगा नाली की चौड़ाई है जो चौड़ाई होगा 40 सेंटीमीटर का एवं जो है आपका कितना 25 सेंटीमीटर इसकी गहराई होगा, ठीक है 25 सेंटीमीटर गहराई पर इसको बोया जाता है। अब आता है उसके बाद समतल बुआई करके मिट्टी को चढ़ा देना। तो समतल हमने अगर अब बुआई किया उसके ऊपर मिट्टी को डाल देना वो कराता है हमारे में समतल करके मिट्टी को चढ़ाना कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बोने की गहराई कितना होना चाहिए। तो अलग अलग के लिए आपके पास कितना बोला गया है देखिए यहाँ पर अगर हमने नालियों में बोए हैं तो उसकी गहराई कितना था यहाँ पर 25 सेंटीमीटर था, लेकिन अगर इसी को हमने समतल और समतल करके मिट्टी अगर उसमें चढ़ा रहे हैं तो कितना होना चाहिए कलिका के ऊपर अर्थात उसमें नए जो कलिकाएं अगर उसमें आना शुरू हुए हैं या वहां से आएगा तो उसके लिए आपका 2.5 सेंटीमीटर जो है मिलेगा होनी चाहिए। 2.5 सेंटीमीटर आपका कलिका में कुछ यहाँ से ऐसा वो निकलने वाला है तीस को 2.5 सेंटीमीटर मतलब इतना सेंटीमीटर तक उसको ढके हुए रहना चाहिए, ठीक है। फिर बोलते हैं अब देखते हैं उसके बाद है ये हो गया पहला। अब उसके बाद देखते हैं हमारे पास कूड़ों में बीज को बुआई, कूड़ों में बीज को किस तरह से इसमें बुआया जाता है इसको देखते हैं। कूड़ का अर्थ ये है नालियों में, इसी नालियों में, नाली को ही बोला जाता है इसमें कूड़। तो कूड़ों में हम किस तरह से इसकी बुआई कर सकते हैं तो बोला है इसमें दो टुकड़ों को साथ रखना, सॉरी पहला नहीं है ये तीसरा जी। तो पहला इसमें आता है सिरे से सिरे मिलाकर, पहला इसमें आता है सिरे से सिरे मिलाकर अर्थात ये हमारा पहला टुकड़ा है गन्ने का और ये हमारा दूसरा टुकड़ा है गन्ने का। तो सिरे से सिरे मिलाकर एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाकर लगातार इसमें क्या करना कुछ इस तरह से इसमें बुआई को करते हुए जाना, ये कराता है हमारा में सिरे से सिरे मिलाकर करना। अब उसके बाद है अखुए से अखुए मिलाकर अर्थात इसमें जो गांठे हैं, ठीक है तो इसमें जो गांठे हैं तो कुछ इस तरह से इसको मिलाएंगे, मतलब कि जो हमारा ये पहला है तो पहला में अगर यहाँ पर गांठ है तो दूसरे में भी क्या होगा यहीं पर इसको गांठ पर ऐसा लगाएंगे और यहीं पर ऐसा गांठ लगाकर इसमें बुआई करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है यह है। अब उसके बाद बोलते हैं दो टुकड़ों को साथ साथ बुआई करना, यानी कि दो को इसमें क्या कर देंगे साथ साथ अगर इसमें बुआई हम कर देते हैं तो ये कहलाता है हमारे में दो टुकड़ों में बुआई करना। और अखुए सखुए मिलाकर अर्थात इसमें जो है वो ये इसकी आंखें कुछ इधर है तो इसको कट करके यहाँ पर इसकी आंखों को फिर से लगा सकते हैं और ऐसा इसमें आंखें से आंखें मिलाकर इसकी बुआई किया जा सकता है। ये उसकी आंखें हुआ, ये उसकी आंखें हुआ, तो आंखें से आंखें मिलाकर एवं जो है ऐसा होगा आपका दो टुकड़ों को एक साथ करके बुना ये कहलाता है इसमें, ठीक है। या इसमें एक चीज और हो सकता है दो टुकड़ों में क्या होगा इसकी आंखें एक का इधर हो सकते हैं और एक का इधर हो सकते हैं, लेकिन आंखें से आंखें मिलाने में क्या होगा अगर एक का आंख इधर है तो इसका भी आंख इधर ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद आएगा इसमें खाद की मात्रा देखते हैं। तो खाद की मात्रा होगा 50 किलोग्राम नाइट्रोजन और इस तरह से आपका 80 से 100 किलोग्राम फास्फोरस और 60 से 80 किलोग्राम का पोटास की आवश्यकता इसमें देखने को हमको मिलता है। चलिए उसके बाद इसमें देखते हैं इसकी सिंचाई, तो कितने सिंचाई की आवश्यकता होती है अगर वो गर्मी के दिन में हम इसको उगाए तो 10 से 15 सिंचाई की आवश्यकता या 10 से 15 दिन बाद सिंचाई की आवश्यकता इसमें होती है। और उसी तरह से हमने अगर इसको शरद ऋतु में उगाए हैं तो इसके लिए 25 से 30 दिन बाद इसकी सिंचाई को किया जाता है, ठीक है। फिर उसी तरह से इसमें कुल सिंचाई जो है आपका 8 से 12 बार इसकी सिंचाई की आवश्यकता इसमें देखने को हमको मिलती है। अब देखते हैं यहाँ पर निंदाई कुड़ाई, तो निंदाई कुड़ाई के लिए आपका आवश्यकता अनुसार इसमें निंदाई कुड़ाई जो है वो किया जाता है, इसके लिए कोई निश्चित नहीं है, जैसे जैसे इसकी आवश्यकता होगा वैसे वैसे इसमें किया जाता है। अच्छा एक चीज़ और, इसमें खाद का जो है हम कब इसमें दिया जाता है तो जब आप भूमि को जब हम लोग तैयार करते हैं तो उसी समय जो है इसको खाद को अच्छी तरह से इसमें मिला देना चाहिए ताकि भूमि के उपजाऊपन के साथ वो भी अच्छे से मिल जाए और असर ज़्यादा करे, ठीक है। अब देखते हैं इसलिए वीड्स का कंट्रोल देखते हैं, खर पतवारों का नियंत्रण, तो इसके लिए आपके पास 240 1.1 से 1.5
केजी प्रति हेक्टेयर के दर से इसको प्रयोग किया जाता है, एवं इसके साथ साथ इसके अलावा भी आपका एट्राजिन सिमेजिन को 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से इसकी आपका दे सकते हैं उस वीड्स के कंट्रोल के लिए। फिर देखते हैं इसमें फसल को चक्र, तो इसमें क्या है धान लाही चना फिर गन्ना, ये आपका 3 वर्ष का होता है। एक बार क्या लीजिए धान लेते हैं फिर लाही फिर चना फिर गन्ने को अगर लेंगे तो 3 वर्ष का हमारा चक्र इसमें चलेगा, ठीक है। उस तरह से आपके पास मक्का गेहूं आलू और गन्ना को भी लेंगे तो 3 वर्ष का इसमें चलेगा। आपका जो बुक में बहुत सारा इसमें दिया है तो उसने को मैं नहीं बता रहा हूँ, केवल 2 यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है। फिर देखते हैं इसके बाद कटाई देखेंगे तो आपका आपका जो फसल है वो लगभग 10 से 12 माह में जो है पक जाता है, 10 से 12 माह में पूरी तरह से पककर तैयार हमारे पास आ जाता है। इसके सिम्टम्स क्या है, इसमें कैसे इसको पहचानेंगे पूरी तरह से हमारा फसल पक गया है, इसके लिए हमारे पास पकी हुई संपूर्ण फसल पीलापन लिए हुए होती है। अगर फसल आपका पक गया है तो पीलापन लिए हुए हमको दिखाई देगा और साथ साथ इसमें जो है वृद्धि समाप्त हो जाएंगे, वो जो पौधा रहेगा वो अब बढ़ेगा नहीं। अब उसके बाद देखते हैं इसमें गांठों पर उपस्थित कलियां जो है वो फूल जाता है, पूरी तरह से गांठ में अगर कोई कलियां उपस्थित रहता है तो फूल जाते हैं। फिर देखते हैं इसके बाद गन्ना तोड़ने पर इसके आसानी से वो टूट जाता है, गन्ना को अगर हम उस पर तोड़ेंगे तो आसानी से टूट कर हमको मिलेगा। फिर उसके बाद है गन्ना पे मीठापन लिए युक्त होना चाहिए, यानी कि गन्ना आपका पूरी तरह से आपका मीठापन यानी कि अच्छे से उसमें जूस हो रहना चाहिए वो कहलाते हैं हमारे में आपका कटाई के लिए प्रयुक्त गन्ने। फिर देखते हैं इसकी उपज, तो इसकी उपज के लिए आपका है 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से हमको इसकी उपज देखने को मिलता है या प्राप्त हमको होता है, ठीक है। आइए तो यह था हमारे में आज का वीडियो, तो आई होप कि आज का जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।